so trampled, embodiment of love, so exploited, caring, so frail, is the very strength of women transmuted into their weakness. कदाचित इसीलिए चीरकाल से नारी प्रताड़ित होती रही आई है, उसका अस्तित्व और उसकी असीमता सदैव दांव पर लगी रहती है। पुरुष प्रधान समाज या तो इन कलियों का कोप में ही गला घोट देता है, और अगर कोप में खत्म नहीं कर पाता तो किसी ना किसी बेटी की यह कहानी बन जाती है। हाँ, मेरी माँ भी खुश थी, उसको एक खुशी मिली थी, एक औरत से एक माँ बनने चली थी, पर उसकी कोप में मैं थी, मैं अजन्मी थी, मैं अजन्मी और अजन्मी रह गई, जन्म से पहले मरी, क्यों मेरी बलि चढ़ी, क्या गुनाह था मेरा, पूछती हूँ मैं खड़ी। थी। हाँ, मैं एक लड़की हूँ, मुझे जीने का अधिकार दो, ना आधा ना कम, मुझे पुत्र के समान प्यार दो, मुझे भी पढ़ने का अधिकार दो, मुझे जीने का अधिकार दो, मुझे कल्पना चावला बनकर नीले गगन को छूने दो, मुझे इंदिरा गांधी बनकर देश की अगुवाई करने दो, हाँ मुझे जीने दो। He changed my face, not my heart. He threw acid on my face, not my dreams.
इंसाफ इंसाफ चिल्लाते गला मेरा रुंध चुका है, लगता है मुझे सुनने वाला अखबार भी अब मर चुका है। Yeah.